मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ अश्विनी धोटी. आई एम बिलोंग फ्रॉम क्लास 9 स्टैंडर्ड. आई एम लर्निंग इन द स्कूल ऑफ संस्कार, नानपेट, समुद्रपुर. दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है और उस सभी चीज़ों के पीछे साइंस होता है. तो साइंस आपके सामने दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट लेके आ रही हूँ. मेरा एक्सपेरिमेंट एयर प्रेशर पे बेस है. तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉटल ली है, एक बलून लिया है. तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट. आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉटल ली है और एक बलून लिया है. उस बलून को मैंने इस बॉटल के साथ ज्वाइन किया है. अब मैं उस बलून को ब्लो करने की कोशिश करती हूँ. तो आप देख सकते हैं कि यह बलून ब्लो नहीं हुआ है. अब मैं उसमें छेद करती हूँ इस बॉटल में. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बॉटल पे छेद किया है. अब मैं इस बलून को ब्लो करने की कोशिश करती हूँ. तो दोस्तों, आपने देखा कि यह बलून ब्लो हुआ है. क्योंकि यह बलून इसलिए ब्लो हुआ है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब इस बॉटल बंद थी तो इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी. और एयर को हम, आपको सबको पता है कि एयर को स्पेस लगती है. और जब इस बॉटल के अंदर एयर थी तो उसको जगह ही नहीं थी बाहर निकलने के लिए. जब मैंने इसके अंदर होल किया तो क्या हुआ, जो एयर प्रेजेंट थी वो बाहर एटमोसफेयर में निकल गई. तो दोस्तों, यह है इसके पीछे का रीज़न. यह साइंस है इसके पीछे का. बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर हमने देखा कि जब एयर उसके अंदर थी और जब हमने होल किया तो यह एयर हमारे एटमोसफेयर में मिक्स हो गई है. तो दोस्तों, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं. इसके लिए भी मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि कार्ड पेपर लिया है मैंने और एक ग्लास लिया है जो पूरा वाटर से भरा हुआ है. ठीक है, अब मैं उस कार्ड पेपर को उस ग्लास के ऊपर रखती हूँ और उसको टर्न करती हूँ. ठीक है, मैंने उसको टर्न किया है. तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है. आप देख सकते हैं कि ये वाटर नीचे नहीं गिरा है और जो कार्ड पेपर है वो स्टेबल है अपनी पोजीशन पे. तो यह पॉसिबल क्यों हुआ है? तो दोस्तों, यह पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि हमको पता है कि जब हमने इस ग्लास को टर्न किया है तो हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर प्रेजेंट होता है. जब हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है तो एयर प्रेशर क्या करता है, पुश करता है ऑन द पेपर. तो इसलिए पेपर क्या रहता है, स्टेबल रहता है अपनी पोजिशन पर और जो ग्लास में वाटर था वो नीचे नहीं गिरता है. तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी प्रेजेंट है. तो इसलिए हम हमारी पोजीशन पे स्टेबल रहते हैं. अगर हम स्पेस में जाए तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं होती है. सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं होने की वजह से क्या करते हैं, हम हमारे अपनी पोजीशन पे स्टेबल नहीं हो पाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, इसके पीछे का यही रीज़न था क्योंकि वो पॉसिबल हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. थैंक यू वेरी मच.